नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त शुभमन गिल की चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं। जिस तरीके से उन्होंने शानदार तरीके से शतक लगाया जिम्बाब्वे के खिलाफ, अपनी बल्लेबाजी के जौहर दिखाए, उसने शुभमन गिल उसके बाद लगातार चर्चाओं में उनकी बल्लेबाजी की खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग शुभमन गिल को लेकर बातें कर रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड चल पड़ा, शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर का। सारा तेंदुलकर के बारे में आप लोगों को पता है, कहा जाता है कि सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है और दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते थे। लेकिन अब खबर ये है कि सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद ये खबरें चलनी शुरू हो गई हैं। क्या इन दोनों की दोस्ती में कोई खटास है? क्या मनमुटाव हो गया है? क्या इन दोनों का ब्रेकअप हो गया? अगर प्रेम कहानी के बारे में भी सोचें तो ये खबरें इस वक्त चलनी शुरू हो गई हैं कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया। आखिर क्या वजह रही कि सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया? ये इस वक्त चर्चा लगातार चली है, क्या दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया? हालांकि सारा तेंदुलकर ने शुभमन गिल की बहन को अभी भी फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पर, तो यहां भी एक संकेत जरूर है। लेकिन अगर आपस में एक दूसरे को दोनों ने अनफॉलो कर दिया है तो ये चर्चाएं बहुत इस वक्त सोशल मीडिया पर जोरों के साथ चल रही है कि आखिर क्या वजह रही, क्या मनमुटाव की वजह क्या रही, क्यों इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अनफॉलो किया। अगर दोनों की दोस्ती की बात बताएं तो साल 2019 में इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी, जब शुभमन गिल केकेआर में खेला करते थे। तब सारा तेंदुलकर शुभमन गिल को सपोर्ट करने के लिए एक बार दिखाई दी थी। उसके बाद में शुभमन गिल ने जब एक बार गाड़ी खरीदी थी, उस वक्त सारा तेंदुलकर ने दिल की इमोजी के साथ उनको बधाई दी थी। तो ये तमाम तरीके की जब बात 2019 में शुरू हुई, उसके बाद से इन दोनों के अफेयर की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी। लगातार दोनों की बातें सोशल मीडिया पर की जाती हैं, दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते थे। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है तो इसके बाद अब खबरें चलने शुरू हो गई कि क्या दोनों के बीच में मनमुटाव है, क्या वास्तव में दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या वास्तव में दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ये इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन शुभमन गिल की बल्लेबाजी इस वक्त चर्चा का विषय है। लगातार शुभमन गिल बेहतर खेलते जा रहे हैं। जैसे ही शुभमन गिल को मौके मिले हैं, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को निखारा है, अपने मौकों को भुनाया है और इस वक्त टीम इंडिया के एक अहम खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के बीच जो मनमुटाव की खबरें हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।